सिर्फ विकास की तरफ खुलता है। और अब तो नमो भारत ट्रेन भी दिल्ली एनसीआर की नई पहचान बन चुकी है। मैं दिल्ली के लोगों को एक और बात कहूंगा, आज दिल्ली में जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, पर्यावरण से मुक्ति के जो समस्याएं हैं पर्यावरण की, उससे मुक्ति के लिए भारत सरकार ने एक अहम कदम उठाया। देश के बड़े बड़े शहरों को भारत सरकार इलेक्ट्रिक बसें दे रही है। आपने देखा होगा दिल्ली को भी भारत सरकार ने ऐसी सैकड़ों बसें दी हैं, ताकि दिल्ली के लोगों की सुविधा भी बढ़े और पर्यावरण की भी रक्षा हो। साथियों, हम सब जानते हैं दुनिया में कोई भी जगह हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इन्वेस्टमेंट लेकर आता है। आज छोटे से छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े बड़े बिजनेस तक सभी फायदे में हैं, क्योंकि भारत सरकार दिल्ली का चौतरफा विकास कर रही है। साथियों, मोदी दिल्ली के हर गरीब, हर मिडिल क्लास परिवार का जीवन आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरी दिल्ली में पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। इससे हमारी बहनों को बहुत सुविधा हो रही है। मुफ्त अनाज की योजना भी लाखों लोगों के बहुत काम आ रही है। सबके घर का सपना पूरा करना भी मोदी की गारंटी है। आप देखिए, एक तरफ अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलर करने का काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ झुग्गियों की जगह पक्के घर बनाने का अभियान भी जारी है। मिडिल क्लास के जो साथी अपना घर बनाना चाहते हैं, उनको भी भाजपा सरकार बड़ी आर्थिक मदद देने जा रही है। साथियों, गरीब और मध्यम वर्ग की बचत को बढ़ाने के लिए मोदी ने एक और योजना शुरू की है। ये योजना है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ये योजना दिल्ली के लोगों के लिए ट्रिपल बेनिफिट वाली है, तीन फायदा कराएगी। इस योजना में आपका 300 यूनिट तक का बिजली बिल जीरो हो जाएगा। बिजली बिल जीरो, और इसके लिए भारत सरकार 75,000 रुपीज 75,000 रुपये तक की मदद देगी। अरे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। इस 75,000 रुपये से अपने घरों पर सोलर पैनल लगाएं, घर में जो इस्तेमाल करने की बिजली की जरूरत है उपयोग कीजिए, और जो अतिरिक्त बिजली होगी वो सरकार खरीदेगी, उससे आपको कमाई होगी। तीसरा लाभ, अब जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, अब पेट्रोल डीजल का जमाना चला गया, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके घर में खुद की बिजली, खुद का सोलर प्लांट, आपके व्हीकल का चार्जिंग भी आपके घर में, मतलब दिन भर आप स्कूटर लेकर के, स्कूटी लेकर के, मोटरसाइकिल लेकर के, कार लेकर के, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसका बिल भी जीरो हो जाएगा। भाई और बहनों, राजधानी दिल्ली में हो रहे इन विकास कार्यों के बीच इंडी गठबंधन दिल्ली को तबाह करने में जुटा है। ये लोग राजनीति का लगातार पतन करने के जिम्मेदार हैं। ये लोग करोड़ों देशवासियों का भरोसा तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। ये लोग दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और हजारों करोड़ के घोटाले में जेल के चक्कर लगा रहे हैं।
और ये कांग्रेस ये तो पूरी तरह एक्सपोज हो गई है।